हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा संपूर्ण नहीं होती है। मान्यता है कि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि तुलसी में रोजाना जल देने और इसके नीचे सुबह शाम दीपक जलाने से जीवन में सौभाग्य आता है। जहाँ एक तरफ तुलसी की हरी पत्तियों का इस्तेमाल भगवान के भोग में किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ तुलसी के सूखे पत्ते भी बहुत प्रभावकारी माने जाते हैं। इन पत्तों के प्रयोग और महा उपायों से वैभव लक्ष्मी का वरदान मिलता है और कर्ज समेत धन से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आपको तुलसी की सूखी पत्तियों के फायदे बता देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की सूखी पत्तियां भी बेहद प्रिय हैं। माना जाता है कि तुलसी की एक पत्ती का इस्तेमाल 15 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को स्नान करवाते वक्त तुलसी की सूखी पत्तियों को पानी में डाला जा सकता है। इसके अलावा खुद के स्नान के पानी में भी तुलसी के सूखे पत्तों को डाल सकते हैं। माना जाता है कि इससे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी की सूखी पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, साथ ही आर्थिक उन्नति भी होती है। तुलसी की सूखी पत्तियों को गंगा जल में डालकर घर में छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, साथ ही घर में खुशहाली का वातावरण भी बनने लगता है। फिलहाल के लिए ना ही, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।